बिस्मिल रहमान रहीम। मैथ्स फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 1.1। आज से हमने फर्स्ट ईयर का मैथ्स भी स्टार्ट कर लिया। एक्सरसाइज 1.1 में है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है क्वेश्चन आयोटा के बारे में। तो आयोटा की सबसे पहले बेसिक चीज़ें जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है, वो क्या है कि आयोटा किस चीज़ के बराबर है। आयोटा बराबर है वन के, आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। वन ओवर आयोटा माइनस आयोटा के बराबर है, वन ओवर माइनस आयोटा प्लस आयोटा के बराबर है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप सबको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 1 को लिख देता हूँ, आयोटा की पावर 14। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, आयोटा 14, आयोटा स्क्वायर इंटू 2 7 14। आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो -1 7 -1 को अगर आप 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे -1 ही आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया -1। अभी इस तरह एक और क्वेश्चन है, माइनस आयोटा पावर 23। अच्छा जी, क्या करेंगे, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 22 प्लस 1, या माइनस आयोटा 22 माइनस आयोटा। ठीक है, माइनस आयोटा 2 इंटू 11, क्योंकि 22 वापस वही आएगा। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, माइनस के बराबर, 1 माइनस तो ये है और दूसरा -1 के बराबर आयोटा स्क्वायर बराबर है और 11 माइनस आयोटा। अगर आप इसको कर ले तो इससे माइनस ही आएगा। सो -1 प्लस 1 डॉट -iota। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे साथ जो आंसर आएगा इससे माइनस है, -2 -+ हो जाएगा, तो ये आयोटा हमारे पास प्लस आयोटा इसका आंसर हो गया। ठीक है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, प्लस आयोटा इसका आंसर है, इसका आंसर। ठीक है, इस तरह में ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आयोटा की पावर -9 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन आयोटा की पावर, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कि 1 ओवर आयोटा पावर 8 डॉट आयोटा। ठीक है, इस तरह करेंगे 1 ओवर आयोटा स्क्वायर इंटू 4 2 4 8 डॉट आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, 1 ओवर आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है डॉट आयोटा। इससे हमारे पास 1, ये -1 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे +1 आयोटा आएगा। तो इससे हमारे पास 1 ओवर आयोटा। और पहले मैंने आपको बताया कि आपको मालूम होनी चाहिए कि 1 ओवर आयोटा किस चीज़ के बराबर है। 1 ओवर आयोटा आप यहाँ देख सकते हैं, 1 ओवर आयोटा माइनस आयोटा के बराबर है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्या है, -iota into -98। सबसे पहले क्या करेंगे कि इस माइनस को, जो इसमें जो माइनस है इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, सो 1 ओवर आयोटा की पावर 98। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 ओवर आयोटा स्क्वायर इंटू, अब देखें
अगर हम इस तरह करके 49 को डिवाइड करेंगे 2 पर, 49 49, अब वी नो डेट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर माइनस 1 का, ठीक है। तो इससे अगर हम माइनस 1 की पावर 49 लेंगे तो इससे माइनस 1 ही आएगा, ठीक है। सो इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 1, अगर आप 1 को माइनस 1 पर डिवाइड करेंगे तो इससे माइनस 1 ही आंसर आएगा। इसका दूसरा पार्ट, इसका इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 में ये दूसरा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 1.1 में पार्ट 2 करेंगे। क्वेश्चन में है कि एट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर लेते, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, नंबर विच आर पार्शली रियल एंड पार्शली इमेजिनरी। कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी आई, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब एक और बात कि रियल नंबर्स हमेशा नोट करें, रियल नंबर ये हमेशा इज वन डायमेंशन, ये हमेशा वन डायमेंशन में होते हैं, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन भी कर लेते हैं, चलो इसी पर, चलो इस पर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है कि इसको ऐड करना है, 3 × 1 + 2i कामा −2 × 1 − 3i, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 1 + 2i − 2 × 1 − 3i इस क्वेश्चन, ठीक है। इसको ऐड करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6i प्लस और 2 × 1 = 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 2 = 6i, ठीक है। 3 + 6i प्लस इंटू माइनस माइनस 2 + 6i, ठीक है। अब इसमें रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ मिलाएंगे, ठीक है। 3 − 2 + 6i + 6i, 3 से अगर 2 हम हम प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा, अगर 3 से हम 2 को माइनस करेंगे तो इससे हमारे पास 1 प्लस और 6 6 और 6 12 iota आएगा। तो ये एक इसका रियल है और ये इमेजिनरी है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अभी इस तरह जो कि दूसरा क्वेश्चन है कि 1 / 2 − 3i, 1/4 − 1/3i, ये अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी ऐड करना है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेंगे, 1/2 − 2/3i प्लस 1/4 3i, अब रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, 1/2 + 1/4 − 2/3i − 1/4
थ्री आई, ठीक है। अगर आप इसको देख लें कि वन ओवर टू और वन ओवर फोर, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका फोर एलसीएम आएगा, ठीक है, और टू प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। और अब इस दूसरी का भी हम एलसीएम लेंगे तो इससे थ्री ही एलसीएम आएगा, ठीक है, और ये टू प्लस वन आई हो जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, थ्री बाई फोर माइनस थ्री बाई थ्री आई, ये थ्री कट जाते हैं, थ्री बाई फोर माइनस आई, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है।